मेरी जिंदगी का एक ही सपना है, मैं भारत मां को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहता हूं। मैं भारत को दुनिया का नंबर वन देश देखना चाहता हूं। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मुझे युवाओं का साथ चाहिए। युवाओं के साथ मिलके देश के 140 करोड़ लोगों के साथ मिलके इन पार्टियों ने लूट लिया। भूल जाओ इन सारी पार्टियों को, भूल जाओ इन नेताओं को, देश के 140 करोड़ लोग मिलके हम भारत को नंबर वन देश बनाएंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? और मेरे पास प्लान है, पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं, IRS हूं, इसीलिए ये लोग चिढ़ते हैं मेरे से, ये अनपढ़ है। इनकी डिग्री फर्जी है, इनकी डिग्री फर्जी है, मैं पढ़ा लिखा हूं। मेरे पास पूरा प्लान है, 10 साल के अंदर हम भारतवर्ष को दुनिया का नंबर वन देश बना सकते हैं। 10 साल में मेरे पास प्लान है, 10 साल में हम इस देश से हर अनपढ़ आदमी को पढ़ा लिखा बना सकते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे स्कूल बना सकते हैं। 10 साल के अंदर इस देश से हम गरीबी दूर कर सकते हैं, मेरे पास प्लान है। मेरे को याद है जब मैं छोटा बच्चा था, आप भी जब छोटे थे, 3 तरह के देश होते हैं। एक होते हैं गरीब देश, अविकसित देश, अंडर डेवलप्ड देश। एक होते हैं विकासशील देश, जो विकसित बन रहे हैं अभी, और एक होते हैं विकसित देश, अमीर देश, विकसित देश। भारत विकासशील देश में गिना जाता है। जब मैं छोटा बच्चा था, 5वीं क्लास में पढ़ता था, तब ये कहते थे भारत विकासशील देश है, 20 साल में भारत विकसित देश बन जाएगा। आज भी ये कहते हैं, मैंने मोदी जी का भाषण सुना, कहते 2047 में भारत विकसित देश बन जाए। अरे हम कैसे माने तुम्हारी बात? कोई प्लान नहीं इनके पास, कोई प्लानिंग नहीं इनके पास, कोई इनके कैसे माने भारत विकसित देश बन जाएगा? झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता।